मैं अभी हनीमून पॉइंट पर आई हूँ एंड दिस इज सपोज टू बी अ हनीमून पॉइंट. सो आई कम विद संग्राम जी एंड आई एंड अप डूइंग अ फोटोशूट विद हिम ऑल्सो. मगर मैं चाहती हूँ कि आप सब जो कपल्स हैं, नए नए कपल्स हैं या पुराने कपल्स हैं, अपनी लाइफ में कुछ मज़ा या यू नो चेंज चाहते हैं, देन प्लीज विजिट दिस हनीमून पॉइंट इन माउंट आबू. बिकॉज भारत में कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं और आप कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करते. इट्स रियली रियली हाई टाइम वी डू दैट. सो प्लीज कम हियर एंड एक्सप्लोर दिस हनीमून पॉइंट. बड़ी सिटी दिख रही है ना, उस गांव का नाम भी अनादरा गांव है. अगर आप दिलवाड़ा जैन टेंपल देखोगे जो 1000 साल पहले 1800 करोड़ की लागत से बना हुआ है, पहले के जमाने में आने का रास्ता नहीं था. थोड़ा सा फॉगी होने के कारण थोड़ा कम दिखा है, लेकिन एक तो रास्ता के पीछे एक व्हाइट कलर की मार्बल पहाड़ी दिख रही है. तो जो दिलवाड़ा जैन टेंपल बना था तो घोड़े और हाथियों पर जिस रास्ते से मार्बल मंगाया जाता था वो यही रास्ता है. आज भी जो किसान है जो एकदम बिना किसी मिलावट की वाली सब्जी और रियल दूध उस गांव से लेके माउंट आबू, संग्राम सर 30 से 35 मिनट में माउंट आबू पैदल चढ़ जाते हैं. इसी रास्ते से ऊपर आते हैं और इसी रास्ते से वापस नीचे चले जाते हैं. माउंट आबू में सनसेट देखने के दो जगह हैं, एक ये, एक इसके पीछे जो बैक साइड है वो सनसेट पॉइंट. जो ज़्यादातर पर्यटक है वो यहाँ आता है. इसको डेवलप करने के लिए इसका नाम रखा गया हनीमून पॉइंट. छोटी छोटी आप जो केव्स देख रहे हो इस गुफा में, जो न्यू मैरिड कपल आते हैं वो यहाँ बैठते हैं, अपने भविष्य को प्लान करते हैं, इस सुंदरता को, इस प्रकृति को कहीं ना कहीं एहसास करते हैं. आप लोगों को प्लान करना है कुछ भविष्य के बारे में बैठ के? थोड़ा क्लोज आइए ना. ऐसे रुकना सर, थोड़ा फेस क्लोज आइए. केमिस्ट्री दिखाओ ना एक दूसरे की तरह आंखों में. 0 0/0. जो रियल कपल होते हैं ना ऐसे ही रहते हैं. परफेक्ट.